अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सब लेकर आई हूँ पोटैटो स्नैक्स, वो भी बहुत डिफरेंट स्टाइल में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू ले लिए। आलू आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, नॉर्मल है। अगर आप 4 से बनाना चाहें तो 4 से भी बना सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है और क्यूब्स में कट करने के बाद मैं इसको बॉईल कर लूँगी। आलू तो यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था, इसको भी मैं बॉईल कर लूँगी। तो अब तैयारी करते हैं हम मज़ेदार सी फिलिंग बनाने की, जिसके लिए मैंने 1 स्मॉल साइज की प्याज ले ली थी, उसको चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्ची ले ली थी, उसको भी चॉप कर लिया है। हरा धनिया और पुदीना ले लिया था, दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है दोनों चीज़ें। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बेसन ले लिया है, यानी कि 1 पाव मैंने बेसन ले लिया है। आलू ले लिए हैं, यहाँ पर आलू बॉईल हो गए थे तो बेसन के अंदर हम डाल लेते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा येलो फूड कलर। और डाल दें यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर अनारदाना। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी बेसन के साथ। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था। अब जाएगा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो नॉर्मली जब मैं आपको बोलती थी पकौड़ों के लिए, तो उसके लिए मैं एक कंसिस्टेंसी आपको देती थी कि बेसन इतना होना चाहिए, इतनी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन इसका जो बेसन हम बनाएंगे वो थोड़ा सा थिक बनाएंगे, यानी कि गाढ़ा बनाएंगे। और इसको 10 मिनट के लिए आप हम रेस्ट देंगे। जब हम इसको रेस्ट देंगे तो आइए खुद ब खुद ही बेसन जो है पतला हो जाएगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो आलू को यहाँ पर मैंने मैच कर लिया है कांटे की मदद से। आलू अच्छे से मैश हो गए थे, यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून के बराबर नमक, 1/4 टीस्पून के बराबर रेड चिल्ली पाउडर। इसको मैं आलू के साथ मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएंगी वो सारी सब्जियाँ, वो सारे मसाले जो मैंने आपको बताया था, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए थे। अगर आपके आलू ज़्यादा होंगे तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर उसके हिसाब से ही जाएंगी। तो मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि सारी चीज़ें आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद ये बहुत मज़ेदार सी और अच्छे अच्छे से फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर अंडा भी बॉयल हो गया था और कुछ को मैंने यूँ गोल स्लाइस में कट कर लिया और कुछ को मैंने चॉप कर लिया था। ये जो आलू की फिलिंग बनाई थी इसको मैंने इस तरीके से शेप दे दी। आप कोई से भी शेप दे सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको टोटल 4 से 5 शेप बताऊंगी। आप आसानी से बना सकते हैं और अपने अफ्तार को बहुत ज़्यादा स्पेशल कर सकते हैं। तो 2 मैंने इस शेप के बना लिए हैं। नॉर्मली आप सिंपल हाथ से बनाएंगे तो आराम से ये बन जाएंगे, जैसे गोला कबाब बनते हैं ना, वैसे ही हमने बिल्कुल शेप देना है नॉर्मली हाथ से, वो इजीली आ जाएगा। तो अब बना लेंगे यहाँ पर गोल, वही हमने फिलिंग लेनी है और उसको गोल शेप देना है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। लेकिन तो यहाँ पर मैंने वही फिलिंग ले ली थी और सबसे पहले इसके अंदर डाल दिया अंडा और इसको मैं अच्छे से पैक कर लूँगी। यानी कि हमने गोली बनाना है लेकिन अंडे को हमने जो है अच्छे से अंदर पैक कर देना है ताकि वो बाहर ना निकले। तो देखें कितना मज़ेदार सी फिलिंग बनकर रेडी हुई है और फिलिंग के अंदर भी फिलिंग, यानी कि फिलिंग तो हमने आलू की बनाई है, उसके अंदर अंडा भी गया है। तो अब बना लेते हैं कोई नई शेप। तो देखें जो मैंने गुलाई में काटे थे अंडे, उसको मैंने इस तरीके से कबाब का शेप दे दिया है, जैसे हम चपली कबाब, कोला कबाब, शामी कबाब बनाते हैं, वैसे हमने शेप दे दिया है। तो फिलिंग के अंदर भी फिलिंग हो रही है, तो बहुत मज़े की बनेंगी, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो सारे इसी तरीके से मैंने बना लिए थे और बनाने के बाद आप इसको कोट करते हैं हम बेसन के अंदर। 10 मिनट हो गए थे, 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया चुटकी भर खाने का सोडा, जिसको मीठे सोडा भी बोलते हैं। सोडा ज़्यादा मत डालिएगा वरना इसके अंदर ऑयल भर जाएगा, और कम भी मत डालिएगा कि कोई फ़ायदा ना हो, चुटकी भर जाएगा बस। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया था, मैंने ये बेसन का मिक्सर डाल कर चेक कर लिया था। अब इसको अच्छे से मैं कोट करूँगी और कोट करने के बाद मैं इसको फ्राई कर दूँगी। इसी तरीके से मैं जितने भी मैंने शेप के बनाए हैं पोटैटो स्नैक, तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जितनी मेरी कढ़ाई के अंदर जगह थी मैंने उतने ही डाले हैं। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप कम ही डालिएगा, टेम्परेचर गिर जाता है, फिर वो कलर भी नहीं आता और अंदर से पकते भी नहीं हैं। तो कोटिंग अच्छे से पकनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए वरना बहुत बुरी लगती है। तो जब आप देखें इसके ऊपर कलर आने लगा है तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए। तो देखें कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो सारे माशाल्लाह से बनकर रेडी हो गए। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।